क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्ते आदा। आज एक्शन कमेटी की मीटिंग बहादुरपुरा एक्शन कमेटी ऑफिस में हुई। इसमें शिरकत करें जोगिंदा साहब और दानिशावर भाई, मदन बाबू, हमारे राजेंद्र अन्ना और विकट अन्ना और तमाम विनय भास्कर और असगर अली साहब और सभी लोग आए। बहुत खुशी हुई और आज एक्शन कमेटी मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम लोग गली हर गली गली के घर को जाएंगे, घर की जाएंगे और ये कहेंगे कि कहो दिल से कांग्रेस फिर से, ये बात कहलाएंगे। और साथ ही में जो KCR गवर्नमेंट जो झूठे वादों के ऊपर तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है, उनको एक्सपोज करने का काम भी हम शुरू करेंगे। और जिस तरीके से आवाम को KCR गवर्नमेंट ने आस दिला करके और उनको झूठ बोल करके उन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि 12% रिजर्वेशन है, जो डबल बेडरूम घर बांटे वो किसको बांटे, उसका हम पूरा डाटा निकालेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। और दलित बंधु स्कीम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक कॉन्टिनेंसी में आप कितने लोगों को दिए और कहां-कहां दिए, वो हम बारीकी से इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो माइनॉरिटी स्कीम लाइफ है लोन की 1,00,000 रुपए की, वो हैदराबाद पार्लियामेंट में कितने लोगों को दिए और कितने फॉर्म पेंडिंग। और ये हुकूमत अभी नए नए फार्मूले ला रही, जब कांग्रेस पार्टी अपने 6 प्रॉमिसेस लाई तो KCR साहब की नींद उड़ गई और नींद के बाद में उन्होंने ये कहा कि हम भी एक मैनिफेस्टो लाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने लाने वाले हैं वो मैनिफेस्टो भी उनकी तरह झूठा होगा, क्योंकि पिछले 9 साल में जितने वादे करे वो सब झूठे थे। और लोगों को सिर्फ आप एक आस में रखे, उसके लिए हम गली हर गली के लोगों को पूछेंगे, हर हमारे दलित भाई को पूछेंगे, हर हमारे माइनॉरिटी भाई को पूछेंगे कि आखिर KCR गवर्नमेंट किसका भला करेगी। इसके साथ